सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लिसफुल बाइट्स पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बनाना वॉलनट मफिन्स की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सबसे पहले मिल्क और कैस्टर शुगर लिया है। अब मैं इस कैस्टर शुगर को मिल्क में डाल दूंगी। आप चाहो तो इसकी जो ग्रैनुलेटेड शुगर भी ले सकते हो। और अब मैं इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक कि शुगर कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालूंगी और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं एक छन्नी लूंगी, उसमें मैं मैदा डालूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी और मैं इसे अच्छे से छान लूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक कि लम्पी और स्मूथ बैटर ना बन जाए। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ बैटर बन चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ऑयल में कोई सार स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब ये रिवन कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अब परफेक्ट बैटर है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं एक बाउल लूंगी, उसमें बनाना लूंगी और उससे मैं फॉर्क की हेल्प से इसे अच्छे से मैं मैश कर लूंगी। नाउ फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैश हो चुका है। तो अब मैं ये मैश्ड बनाना को इस बैटर में पोर कर दूंगी और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं वॉलनट लूंगी और इसमें मैं आधा वॉलनट डाल दूंगी और आधा मैं डेकोरेशन के लिए रखूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं एक मफिन ट्रे लूंगी और उसमें मैं मफिन्स मोल्ड डाल दूंगी और उसमें मैं स्पून की हेल्प से बैटर पोर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बैटर पोर कर दूंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से टैप कर दूंगी और इसके सारे एयर बबल्स निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं वो बचा हुआ वॉलनट लूंगी और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसे प्रीहीट ओवन में बेक करूंगी एट 180 डिग्री टेम्परेचर फॉर 18 मिनट्स। आप चाहो तो इसे गैस पे भी बेक कर सकते हो लो टू मीडियम फ्लेम फॉर 15 to 18 मिनट्स। नाउ फ्रेंड्स, के बेक होके आ चुके हैं तो अब मैं इसमें मिल्क वॉश करूंगी। मिल्क वॉश करने के लिए आप थोड़ा सा मिल्क और नाउ फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड प्लीज फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्पॉन्जी है, ये सुपर सॉफ्ट है एंड फ्रेंड्स, ये सुपर मॉइस्ट है। Thank you. Happy cooking.